कालापत्थर में पथराव के बाद गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने चास मुफस्सिल थाना का घेराव कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि पिछले मंगलवार को कालापत्थर में नगर निगम के द्वारा कचरा निस्तारण प्लांट निर्माण कार्य का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने पथराव किया था, जिसमें नगर निगम की गाड़ी और जेसीबी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस मामले में चास के सीओ दिवाकर दुबे ने 10 लोगों को नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया था। इसी मामले में पुलिस ने देर रात एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद से ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि किसी कीमत पर प्लांट बनने नहीं देंगे और प्रशासन इस झूठे मुकदमे को वापस ले। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बोकारो से सुरेंद्र जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जो ये पूरा मामला आ रहा है देखिए, जिसमें नगर निगम की गाड़ी और जेसीबी को क्षतिग्रस्त कर दिया ग्रामीणों द्वारा। इस मामले में चास के सीओ दिवाकर दुबे ने भी 10 लोगों को नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। फिलहाल क्या कुछ जो है अभी स्थिति है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पूर्व चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के काला पत्थर में जैविक खाद बनाने को लेकर सीमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नगर निगम में वहां पर काम दिया था। वही काम करने जब कंपनी गई तो वहां पर पथराव कर दिया गया। वहां पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, चास एसडीओ नगर निगम के अधिकारी और कई डीएसपी भी वहां पर मौके पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर ग्रामीणों ने पथराव कर वहां जिला प्रशासन की 4 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी को लेकर उस दिन 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात पर केस किया गया था। बीती रात चास मुफस्सिल थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसी मामले को लेकर चास मुफस्सिल थाना में सुबह से ही ग्रामीण पहुंच गए हैं और गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी हाल में यह गिरफ्तारी सही नहीं है। उसी को लेकर थाना घेराव कर धरने पर बैठे हैं। जैसी जानकारी मिल रही है कि अभी भी लोग धरने पर बैठे हैं और वहां विरोध कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। इसके लिए हुआ है क्योंकि जो भागवत गोराई है इसको मतलब अरेस्ट किया हुआ है और भी 10 लोगों को किसी किसी का नाम दिया हुआ है, मुझे पता नहीं उन लोगों का नाम। इसके लिए गांव वाले आए हैं, उनका घर का बेटा को क्यों अरेस्ट किया है ये लोग, इसके चलते थाना गिरा हुआ है। हम यहाँ कचरा पान किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। इसके लिए पूरा गाँव वाले आए हैं, मेरे तो सब साथ में है, ठीक है। और डीसी साहब से इस बात से लेकर विधायक की बात भी किए हैं, कल रात 10 बजे बात भी हुआ था और यहाँ कचरापड़ा नहीं बनेगा। भोले भाले जनताओं पर 10 नामजद व्यक्ति ऊपर केस किया गया, जिसमें कल भगवत गोराई को रात 1 बजे महिला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसको थाना में जब गिरफ्तारी किया गया तो उसके ऊपर टॉर्चर किया गया, मारपीट किया गया और नाना प्रकार के उस पर झूठा मुकदमा कर उसको जेल में रखा गया और मुफस्सिल थाना में न रख कर उसको कहीं दूसरे थाना में शिफ्ट कर गया। इसमें साफ दर्शाती है कि काला पत्थर के लोग क्या उग्रवादी है जो थाना क्षेत्र से बाहर उसको रखे हैं। इसीलिए हम लोग आज पूरे 3 पंचायत के ग्रामीण सुबह से ही हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और जब तक हमारे काला पत्थर पंचायत के 10 नामजद व्यक्तियों का झूठा मुकदमा वापस नहीं लेगा और भागवत गोराई को जब तक बाइक चतरिया नहीं करेगा, हम लोग इस जगह पर डटे रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।